जय जगन्नाथ। आसंतु जानिबा आसंता कालीर भाग्यफल। 14 अगस्त 2020 भाद्रव मास कृष्णपक्ष शुक्रवार दशमी तिथि व्याघात योग बिष्टि और बबकरण दिनर विशेषत्व विषय जानिबा। सूर्योदय प्रातः 5:27:44 गते एवं सूर्यास्त संध्या 6:14:04 गते चंद्र वृष राशि अवस्थान करिसंति। राहु काल दिन 10:15 दिन 11:51 मध्यरे एही समय रे नूतन कार्य आरंभ करिबा मना। बिच्छा धनु ओ मीन राशि घात 12 दिन 2:05 पर्यंत साग एवं तापरे सिंब खाइबा मना। एबे जानिबा राशिफल विषय रे। 1/1 अश्विनी मेष कर्मक्षेत्र रे शुभफल प्राप्तिर जोग रहिछि। नूतन आयपंथ मिलिबार सूचना मध्य रहिछि। गृहिणी मानंकर मन स्थिर रहिबो, शरीर मध्य सुस्थ रहिबो। छात्र छात्री माने पाठपढ़ारे मनोनिवेश करिवे, भल पाठ मध्य पढ़िबे। सकाळे भगवान हनुमानंक आराधना करंतु। ओम हं हनुमते नमः एही मंत्र को 11 थर जप करंतु। शुभ रंग दिनमान नाली रहितिबारु एही रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटे पाखरे रखंतु। बुला कुकुर को किछि खाइबाकु दे दियंतु, शुभत्व प्राप्त हो। 2/1 द्विजा मेष कर्मक्षेत्र रे मान सम्मानर वृद्धि पदोन्नति हेबार जथेष्ट संभावना रहिछे। गृहिणी मानंकर मन स्थिर रहिबो, नूतन वस्त्र किंबा आभूषण किछि किणिबार सूचना मध्य रहिछे। छात्र छात्री मानंकर मन स्थिर रहिबो, पाठपढ़ारे भल करिबे। सकाळे भगवान शिवंक आराधना करंतु। शुक्र महाग्रहंकर बीज मंत्र ओं सुं शुक्राय नमः एही मंत्र को मध्य जप करंतु। गोमातांकु खाइबाकु दे दियंतु, शुभ रंग धळा रहितिबारु एही रंगर वस्त्र परिधान किंबा रुमालटे पाखरे रखंतु, शुभत्व प्राप्त हो। 3/1 कृतिका मेष कर्मक्षेत्र रे धनलाभर सूचना रहिछे, किंतु शरीर असुस्थ होइपारे, सेतिप्रति विशेष सतर्क रहिबे। गृहिणी मानंकर मन अस्थिर रहिबो, शारीरिक असुस्थता अनुभव करिपारंती। छात्र छात्री मानंकर मन अस्थिर रहिबो, शरीर मध्य असुस्थ रहिपारे। उपाय कौन करिबे? भगवान सूर्य महाग्रह को अर्घ्य प्रदान करंतु। ओम घृणी सूर्याय नमः एही मंत्र को जप करंतु। महामृत्युंजय मंत्र पाठ करंतु। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। एही मंत्र को 11 थर जप करंतु, शरीर आरोग्य लाभ हो। जहाँ भी किसी सतर्कता रहा सूचना रखी ताकि निजक निवृत्त रखिपारे। शुभ रंग दिनमान नाल रहिथिबारु ए रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटे पाख रखंतु। बुला कुकुर को खाइबाकु दे दियंतु, निश्चित शुभत्व प्राप्त हो। 3/2 कृतिका वृष कर्मक्षेत्र रे वाद विवाद उपजिपे, मनरे अशांति देखा देपे। गृहिणी मानंकर मन अस्थिर रहिबो, कोनोसी प्रकार शारीरिक असुस्थता मध्य अनुभव करिपारंती। छात्र छात्री मानंकर मन अस्थिर रहिबो, शरीर मध्य असुस्थ रहिबो, सेतिप्रति विशेष ध्यान देबे। उपाय कौन करिबे? सकाळे भगवान विष्णु को आराधना करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्र को जप करंतु। सूर्य महाग्रहंकर बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः एही मंत्र को मध्य 11 थर जप करंतु, निश्चित मानसिक शांति फेरी पाइबे। शुभ रंग दिनमान धार रहिथिबार ए रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटे पाखरे रखंतु। गोमातांकु खाइबाकु दे दियंतु, कल्याण प्राप्त हो। 4/2 रोहिणी वृष कर्मक्षेत्र रे बहुत व्यस्त रहिबे, आर्थिक लाभर सूचना मध्य रहिछि। अति व्यस्तता जोगु मन बा शारीरिक क्लांति अनुभव करिपारंती। गृहिणी मानंकर मन स्थिर रहिबो, किंतु शारीरिक क्लांति अनुभव करिवे बेसिक कार्य करिकरि। छात्र छात्री मानंकर मन स्थिर रहिबो, पाठपढ़ारे मनोनिवेश करिवे, भल पाठ मध्य पढ़िबे। सकाळे भगवान शिवंक आराधना करंतु। ओम नमः शिवाय एही मंत्र को जप करंतु। चंद्र महाग्रहंकर बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः एही मंत्र को जप करिबा द्वारा विशेष मानसिक शक्ति फेरी पाइबे, मनरे शांति मध्य पाइबे। शुभ रंग दिनमान धार रहिथिबार ए रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटे पाखरे रखंतु। गोमातांकु खाइबाकु दे दियंतु, कल्याण प्राप्त हो। 5/2 मृगशिरा वृष कर्मक्षेत्र रे आनंद उल्लास रे दिनटे अतिवाहित हो, किंतु आपणक राशि नक्षत्र प्रति विशेष सतर्क सूचना रही है। से जहाँ भी कार्य करेंगे सतर्क रही कार्य करेंगे। गृहिणी मानंकर मन स्थिर रहिबो, किंतु रोसई घरे जहाँ भी कार्य करुछन्ति सतर्क रही करंतु, आघात लागिबार सूचना रही। छात्र छात्री मानंकर मन स्थिर रहिबो, पाठपढ़ारे मनोनिवेश करेंगे। सकाळे भगवान हनुमान आराधना करंतु। ओम हं हनुमते नमः
ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶେଷ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଦିନମାନ ସବୁଜ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁମାଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଲା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ବି କିଛି ସତର୍କତା ରହିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି, କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇପାରେ ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ। 5/3 ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆୟଠୁ ବ୍ୟୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ରଖିବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ? ସକାଳେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଅଂ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଦିନମାନ ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଭୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁମାଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 6/3 ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଉପାୟ, ସକାଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ବୁଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିନମାନ ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁମାଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 7/3 ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ଆଗମନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଶାନ୍ତ ରହିବ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଆଭୂଷଣ କିଛି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ସକାଳେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦିନମାନ ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁମାଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଲା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 7/4 ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି, ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଶାନ୍ତ ରହିବ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଆଭୂଷଣ କିଛି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସକାଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ବିଦ୍ମହେ ବାସୁଦେବାୟ ଧୀମହି ତନୋ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଦିନମାନ ଧଳା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁମାଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 8/4 ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ଘରେ ବାଦ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ମନ ରଖିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ ନ କରି ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସକାଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ସୋମ ସୋମାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଦିନମାନ ଧଳା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁମାଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 9/4 ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ଧନ ଆଗମନର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ନୂତନ ଆଭୂଷଣ କ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ କରିବେ। ସକାଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଦିନମାନ ହଳଦିଆ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁମାଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଲା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 10/5 ମଘା ସିଂହ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭର ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହି ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କର ସୂଚନା ଅଛି। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ସତର୍କ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସକାଳେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଦିନମାନ ହଳଦିଆ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁମାଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 11/5 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ବିତେଇବେ। ସକାଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ଦିନମାନ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁମାଲଟି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
बार बाय पाँच उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि। कर्म क्षेत्र में बाद बिवाद उपजिपे मनरे अशांति देखादेव। गृहिणी मानकर मन मध्य अशांत रहइब। घरे कोनोसी प्रकार बाद बिवाद बा विश्रंखला परिस्थिति सृष्टि हो पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ाई मनोनिवेश करिवे नाही, सेतिप्रति विशेष ध्यान देबे। उपाय कोन करिवे, सकाळे भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करंतु। ओम गृहिणी सूर्याय नमः ई मंत्र जप करंतु। जळरे नाली मंदार पुष्प दे अर्घ्य दियंतु। भगवान शिवंकर आराधना करंतु। महामृत्युंजय मंत्र जप करंतु। निश्चय शुभ फल पाइबे। दिनमान शुभ रंग नाली होइतिबारु ए रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटे पाकर रखंतु। बुला कुकुर को खाइबाकु दे दियंतु। शुभत्व प्राप्त हो। 12 बाय 6 उत्तरा फाल्गुनी कन्या। मान सम्मान वृद्धि किंतु विशेष सतर्क रहिबे। कोनोसी भी आघात लागि पारे। गृहिणी मानकर मन अस्थिर रहइबो। छात्र छात्री मानकर मन मध्य अस्थिर रहइबो। उपाय कोन करिवे, भगवान शिव को आराधना सकाळे करंतु। ओम नमः शिवाय एही मंत्र को जप करंतु। रवि महाग्रहंकर बीज मंत्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः एही मंत्र को मध्य 11 थर जप करंतु। निश्चित मानसिक शांति फेरी पाइबे। शुभ रंग दिनमान सबुज रहितो रे रंगर वस्त्र परिधान करंतु किमा रुमालटे पाखरे रखंतु। गोमाता को खाइबा को दे दियंतु। कल्याण प्राप्त हो। 13 बाय 6 हस्ता कन्या। कर्म क्षेत्र में शुभ फल प्राप्ति धन आगमन सूचना मध्य रही। नूतन द्रव्य किसी किणवार सूचना मध्य अच्छे। गृहिणी मान मन स्थिर रहइब। नूतन आभूषण किंबा वस्त्र क्रय करिपारंती। छात्र छात्री मान मन स्थिर रहइब। पाठपढ़ भल करेंगे। सकाळे भगवान विष्णु को आराधना करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जप करंतु। गोमाता को खाइबा को दे दियंतु। शुभ रंग दिनमान धुआ रही थी रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटे पाखर रखंतु। शुभत्व प्राप्त हो। 14 बाय 6 चित्रा कन्या। कर्म क्षेत्र में धन लाभर सूचना रही। किंतु सतर्क रही निजर दैनंदिन कार्य को संपादित करंतु। गृहिणी मानकर मन स्थिर रहइब। किंतु सतर्क रही समस्त कार्य घरे करंतु। छात्र छात्री मानकर मन स्थिर रहइब। पाठपढ़ा भल करिवे। सकाळे भगवान हनुमान को आराधना करंतु। ओम हं हनुमते नमः एही मंत्र को 11 थर जप करंतु। बुद्ध महागुरुंकर बीज मंत्र ओं बुं बुद्धाय नमः एही मंत्र को मध्य जप करंतु। जहाँ भी किसी असुविधा रही एड़े जीव। दिनमान शुभ रंग सबुज रही रंगर वस्त्र प्रदान करंतु किंबा रुमालटे पाखर रखंतु। कल्याण प्राप्त। 14 बाय 7 चित्रा तुला। मन अशांत रहइब। कार्यक्षेत्र में बाद बिवाद उपजिपे। गृहिणी मानकर मन अस्थिर रहइब। घरे कोनोसी प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो पारे। विशेष ध्यान रहिबे बा सजाग रहिबे। छात्र छात्री मानकर मन अस्थिर रहइब। उपाय कोन करिवे, सकाळे भगवान शिवंकर आराधना करंतु। ओम नमः शिवाय एही मंत्र को जप करंतु। शुभ रंग दिनमान धळ रहितबारु एही रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटे पाखर रखंतु। मन अशांत रहितबारु चंद्र महाग्रहंकर बीज मंत्र जप करंतु। ओम सोम सोमाय नमः एही मंत्र जप करिबा द्वारा दिनरे चंद्रंकर स्थिति आपनंक प्रति शुभ प्रदान करिवो। मन बा मानसिक शांति मध्य फेरि पाइबे। 15 बाय 7 स्वाति तुला। कर्मक्षेत्र रे विश्रंखला बाद बिवाद परिस्थिति सृष्टि हो पारे। शत्रु आपंक हैरान हरकत करिपारंती। विशेष जत्नवान रहिबे। गृहिणी मानकर मन अस्थिर रहइबो। छात्र छात्री मानकर मन मध्य अस्थिर रहइबो। सेतिपई उपाय कोन करिबे, सकाळे भगवान शिव को आराधना करिबे। ओम नमः शिवाय एही मंत्र को 11 थर जप करंतु। राहु महाग्रहंकर बीज मंत्र ओं रां राहवे नमः एही मंत्र को जप करंतु। शत्रु मानकर जो पीड़ा रही सेतरु निजको दूरै रखिया पई मां बगलामुखी को आराधना करंतु। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किले किले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओं फट स्वाहा एही मंत्र को विशेष 11 थर जप करंतु। निश्चित भाव में शत्रु दाऊ निजको रक्षा करिपारिबे। शुभ रंग दिनमान धळ रहितबारु ए रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटे पाखर रखंतु। कल्याण प्राप्त। 16 बाय 7 विशाखा तुला। कर्म क्षेत्र में शुभ फल प्राप्ति जोग रही। धन आगमन सूचना मध्य रही। गृहिणी मानकर मन स्थिर रहइबो। नूतन द्रव्य किछि किणिबे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे भल करिवे। सकाळे भगवान विष्णु को आराधना करंतु। बृहस्पति महाग्रहंकर बीज मंत्र जप करंतु। निश्चय शुभत्व प्राप्त हो। दिनमान शुभ रंग धुआ रही थी रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटे पाखर रखंतु। कल्याण प्राप्त हो। 16 बाय 8 विशाखा बिछा। कर्म क्षेत्र में शुभ फल प्राप्ति धन आगमन सूचना नूतन आय पंथा मिलिबार मध्य सूचना रही। गृहिणी मानकर मन स्थिर रहइब। नूतन द्रव्य किछि क्रय करिपारंती। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा मनोनिवेश करिवे। भल पाठ पढ़िबे। सकाळे भगवान विष्णु को आराधना करंतु। शुभ रंग दिनमान हलदिया रहितबारु ए रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटे पाखर रखंतु। गोमाता को खाइबा को दियंतु। शुभत्व प्राप्त। 17 बाय 8 अनुराधा बिच्छा। कर्म क्षेत्र में साहाज्य सहानुभूति प्राप्त हो। प्रशंसा मध्य पाइबे। किंतु समस्त कार्य सतर्क रही करिबाकु
विशेष सूचना रही। गृहिणी मानकर मनस्थिर रहिबो किंतु समस्त कार्य को सतर्क रही करंतु। छात्र छात्री माने पाठपढ़ा भल करेंगे मन स्थिर रहिबो किंतु सामान्य शारीरिक आघात लागिबार सूचना अच्छे विशेष जत्नवान हे। उपाय कौन करेंगे सकाळे भगवान हनुमान को आराधना करंतु। ओं हं हनुमते नमः एहि मंत्र को विशेष जप करंतु। मंगल महाग्रह बीज मंत्र ओं अं अंगारकाय नमः एहि मंत्र को 11 थर जप करंतु। शुभरंग दिनमान हलदिया रही थोड़ी रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटी पाखर रखंतु। कल्याण प्राप्त हेब गोमाता खाइबा को दे दियंतु शुभत्व प्राप्त हेब। 18/8 ज्येष्ठा बिछा राशि कर्म क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्तिर जोग रही अर्थ आगमन सूचना रही। गृहिणी मानकर मनस्थिर रहिबो। छात्र छात्री माने पाठपढ़ा भल करेंगे। सकाळे भगवान विष्णु को आराधना करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एहि मंत्र को जप करंतु। दिनमान शुभरंग हलदिया रही थोड़ी रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटी पाखर रखंतु। गोमाता को खाइबा को दे दियंतु निश्चित शुभत्व प्राप्त हेब। 19/9 मूलाधनु कर्म क्षेत्र में बाद विवाद शत्रु हरियाण यहपर भाव दिन रही मन अशांत रशेष जत्नवान हूँ। गृहिणी मानकर मन अस्थिर र घरे कौन प्रकार विशृंखला परिस्थिति सृष्टि हो पारे। छात्र छात्री मानकर मन अस्थिर रहिबो। उपाय कौन करिबे भगवान सूर्य को सकाळे अर्घ्य प्रदान करंतु। ओम गृहिणी सूर्याय नमः एहि मंत्र जप करी जलरे नाली मंदार दे सूर्य को अर्घ्य प्रदान दियंतु। दिनमान शुभरंग हलदिया रही थोड़ी रंगर वस्त्र प्रदान करंतु किंबा रुमालटी पाखरे रखंतु। गोमाता खाइबा को दे दियंतु शुभत्व प्राप्त। 20/9 पूर्वाषाढ़ा धनु कर्म क्षेत्र में शुभफल पाइबे किंतु शारीरिक असुस्थता देखा दे पारे विशेष जत्नवान हे। गृहिणी मानकर शरीर मध्य असुस्थ रहिबो। छात्र छात्री मानकर मन और शरीर मध्य असुस्थ रही पारे सेतिप्रति तांक प्रति सजाग हेबे। सकाळे भगवान शिव को आराधना करंतु। ओम नमः शिवाय एहि मंत्र को जप करंतु। महामृत्युंजय मंत्र जप करंतु ताहले आरोग्य प्राप्त हेबो। धरंगर व्यवहार करंतु शुभरंग धर होइथिबा रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटी पाखर रखंतु। बुला कुकुर को खाइबा को दे दियंतु शुभत्व प्राप्त हेबो। 21/9 उत्तराषाढ़ा धनु कर्म क्षेत्र में अर्थलाभर सूचना रही किंतु अत्यधिक व्यय मध्य होवार सूचना रही। सेतिप्रति निजर जो अर्थगत कारबार रही निजक ध्यान दियंतु बा सजाग रुहंतु। दुर्घटनार भय मध्य रही तेणु गाड़ी चलाचल कला बेले विशेष ध्यान देवे। उपाय कहीदेवी गृहिणी मानकर मन स्थिर रहिबो किंतु शरीर में आघात लागिबार सूचना रही सेतिपई सजाग रुहंतु। छात्र छात्री मानकर शरीर में मध्य किछ आघात सृष्टि होवार सूचना अछि तांको प्रति विशेष ध्यान दियंतु। सकाळे भगवान गणपति को आराधना करंतु। ओम गं गणपतये नमः एहि मंत्र को 11 थर जप करंतु। निश्चित भाव में जहाँ भी विघ्न किसी सृष्टि होवार अछि शारीरिक अस्वस्थता बा शरीर में आघात लागिबार सूचना सब रही सबुथु निजक दूरे रखिपारे। शुभरंग दिनमान नाली रही थोड़ी रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटी पाखर रखंतु। गोमाता खाइबा को दे दियंतु शुभत्व प्राप्त हेब। 21/10 उत्तराषाढ़ मकर कर्म क्षेत्र में मन अशांत रहिबो। बाद विवाद बा विशृंखला परिस्थिति सृष्टि होई पारे। गृहिणी मानकर मन अस्थिर रहिबो। घरे मध्य बाद विवाद उपजि पारे। छात्र छात्री मानकर मन अस्थिर रहिबो। उपाय कौन करिवे सकाळे भगवान शिव को आराधना करंतु। ओम नमः शिवाय एहि मंत्र को जप करंतु। महामृत्युंजय मंत्र को मध्य जप करंतु। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् एहि मंत्र जप करिबा द्वारा जहाँ भी आपद विपद सब दूरेइ जीव। शुभरंग दिनमान नील रहितवर रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटी पाखर रखंतु। बुला कुकुर को खाइबा को दे दियंतु शुभत्व प्राप्त। 22/10 श्रवण मकर कर्म क्षेत्र में आनंद प्राप्तिर जोग रही किंतु शरीर असुस्थता देखा दे पारे विशेष ध्यान देवे। गृहिणी मानकर मध्य शरीर असुस्थता लागि रहिबो। छात्र छात्री मानकर शरीर असुस्थ रही पारे किछि आघात मध्य लागि पारे विशेष ध्यान देवे। उपाय कौन करिवे सकाळे भगवान हनुमान को आराधना करंतु। ओम हं हनुमते नमः एहि मंत्र को विशेष करी 11 थर जप करंतु। शनिश्चर महाग्रहंकर बीज मंत्र ओं सं शनिश्चराय नमः एहि मंत्र को मध्य जप करंतु। दिनमान शुभरंग सबुज रहितवर रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा रुमालटी पाखर रखंतु। गोमाता अन्नदान दियंतु निश्चय शुभत्व प्राप्त हेब। 23/10 धनिष्ठ मकर कर्म क्षेत्र में आनंद लाभ हेब किंतु पुत्र बा संतान मानक चिंता आपण मन में कष्ट देपे। गृहिणी मानकर मन स्थिर रहिब किंतु संतान पक्षर चिंता पाइबे बा संतानंकर कोनोसी प्रकार असदाचरण बा कोनोसी प्रकार अशांति जोगु आपणकर मन कष्ट होई पारे।
ছাত্র ছাত্রী মানে পাঠপড়ার মনোনিবেশ করবে, পাঠ মধ্যে ভালো পড়বে। সকালে কোণ করবে, ভগবান বিষ্ণুঙ্কর আরাধনা করবে, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, এই মন্ত্রক এগারথর জপ করবে, শনিশ্চর মহাগ্রহঙ্কর বীজ মন্ত্র ওং সং শনিশ্চরায় নমঃ, এই মন্ত্রক বিশেষ জপ করন্তু, নিশ্চিত শুভফল পাইবে। শুভরঙ্গ দিনমান নীল রহিতার এই রঙের বস্ত্র পরিধান করন্তু, কিংবা রুমালটি পাখে রাখুন, গোমাতাঙ্কু খাইবাকু দেই দিয়ন্তু, কল্যাণপ্রাপ্ত। 23/11 ধনিষ্ঠা কুম্ভ। কর্মক্ষেত্রে বাদ বিবাদ উপজিপারে, মন অশান্ত রহিব, গৃহিণী মানঙ্কর মন মধ্যে অশান্ত রহিব, ছাত্রছাত্রী মানঙ্কর মন অস্থির রহিব। তেণু উপায় কোণ করবে, সকালে ভগবান শিবঙ্ক আরাধনা করন্তু, ওম নমঃ শিবায় এই মন্ত্রক জপ করন্তু, শনিশ্চর মহাগ্রহঙ্কর বীজ মন্ত্র ওং সং শনিশ্চরায় নমঃ, এই মন্ত্রক মধ্যে এগারথর জপ করন্তু, শুভরঙ্গ দিনমান নীল রহিতার এই রঙের বস্ত্র পরিধান করন্তু, কিংবা রুমালটি পাখে রাখন্তু, গোমাতাঙ্কু অন্নদান দিয়ন্তু, নিশ্চিত শুভত্ব প্রাপ্ত হব। 24/11 শতভিষা কুম্ভ। অযথা ব্যয় আর বাদ বিবাদ মনরে অশান্তি আনিপারে, গৃহিণী মানঙ্কর মন অস্থির রহিব, দ্রব্য কিছু হানি হওয়ার সূচনা মধ্যে রয়েছে, ছাত্রছাত্রী মানঙ্কর মন অস্থির রহিব, খেলকুদ প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করবে। উপায় কোণ করবে, সকালে ভগবান শ্রী গণেশঙ্কু আরাধনা করন্তু, ওং গং গণপতয়ে নমঃ, এই মন্ত্রক 21 জপ করন্তু, যাহা বি সবু অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা বাধাবিঘ্ন অছি তাহা দূরেই যাব। শুভরঙ্গ দিনমান সবুজ রহিতার রঙের বস্ত্র পরিধান করন্তু, কিংবা রুমালটি পাখে রাখন্তু, গোমাতাঙ্কু খাইবাকু দেই দিয়ন্তু, কল্যাণপ্রাপ্ত হব। 25/11 পূর্ব ভাদ্রপদ কুম্ভ। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান, আর্থিক উন্নতি, এইপরি ভাবে সমস্ত প্রকার শুভফল প্রাপ্তির যোগ রয়েছে। গৃহিণী মানঙ্কর মনস্থির রহিব, নূতন বস্ত্র বা আভূষণ কিছু ক্রয় করিবার সূচনা মধ্যে আছে, ছাত্রছাত্রী মানঙ্কর পাঠপড়ারে ভালো হব। সকালে ভগবান বিষ্ণুঙ্কু আরাধনা করন্তু, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় মন্ত্রক জপ করন্তু, শুভরঙ্গ দিনমান সবুজ রহিতার এই রঙের বস্ত্র পরিধান করন্তু, কিংবা রুমালটি পাখে রাখন্তু, গোমাতাঙ্কু খাইবাকু দেই দিয়ন্তু, কল্যাণপ্রাপ্ত হব। 25/12 পূর্ব ভাদ্রপদ মীন। কর্মক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতির সূচনা আছে, নূতন আয়পন্থা মধ্যে মিলিপারে, গৃহিণী মানঙ্কর মনস্থির রহিব, শান্ত রহিব, শরীর মধ্যে সুস্থ রহিব, ছাত্রছাত্রী মানে পাঠপড়ার মনোনিবেশ করবে, ভালো পাঠ পড়বে। সকালে ভগবান গণেশঙ্কু আরাধনা করন্তু, ওং গং গণপতয়ে নমঃ, এই মন্ত্রক জপ করন্তু, শুভরঙ্গ দিনমান হলদিয়া রহিতার এই রঙের বস্ত্র পরিধান করন্তু, কিংবা রুমালটি পাখে রাখন্তু, গোমাতাঙ্কু খাইবাকু দেই দিয়ন্তু, কল্যাণপ্রাপ্ত হব। 26/12 উত্তর ভাদ্রপদ মীন। নূতন আয়পন্থা মিলিবার সূচনা রয়েছে, কিন্তু সতর্ক রই সমস্ত কার্য করন্তু, গৃহিণী মানঙ্কর মনস্থির রহিব, কিন্তু সতর্ক রুহন্তু, ছাত্রছাত্রী মানে পাঠপড়ার মনোনিবেশ করবে, কিন্তু শরীরের সামান্য আঘাত লাগিবার সূচনা আছে, তাঙ্ক প্রতি বিশেষ ধ্যান দেবে। উপায় কোণ করবে, সকালে ভগবান বিষ্ণুঙ্কু আরাধনা করন্তু, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই মন্ত্রক জপ করন্তু, বৃহস্পতি মহাগ্রহঙ্কর বীজ মন্ত্র ওং ব্রুং বৃহস্পতয়ে নমঃ, এই মন্ত্রক মধ্যে এগারথর জপ করন্তু, শুভরঙ্গ দিনমা নালি রহিতার রঙের বস্ত্র প্রধান করন্তু, কিংবা রুমালটি পাখে রাখন্তু, বুলা কুকুরকু খাইবাকু দেই দিয়ন্তু, কল্যাণপ্রাপ্ত হব। 27/12 রেবতী মীন। কর্মক্ষেত্রে শুভফল পাইবে, মান সম্মানের বৃদ্ধি মধ্যে হব, গৃহিণী মানঙ্কর মনস্থির রহিব, ঘরে প্রশংসা মধ্যে পাইবে, ছাত্রছাত্রী মানে পাঠপড়ার ভালো করবে। সকালে ভগবান হনুমানঙ্কু আরাধনা করন্তু, ওং হং হনুমতে নমঃ, এই মন্ত্রক জপ করন্তু, বৃহস্পতি মহাগ্রহঙ্কর বীজ মন্ত্র জপন্তু, শুভরঙ্গ দিনমান হলদিয়া রহিতার এই রঙের বস্ত্র পরিধান করন্তু, কিংবা রুমালটি পাখে রাখন্তু, গোমাতাঙ্কু খাইবাকু দেই দিয়ন্তু, কল্যাণপ্রাপ্ত হব। এত থাকে আপনার রাশিফল সম্পর্কে, এবে সময় হয়ে যাই, আসন্তকালি ভাগ্যফলর আগামী অধ্যায়ে পুণি থেকে দেখা হব, সে পর্যন্ত বিদায় দিয়ন্তু, জয় জগন্নাথ।